अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज ब्लॉग बनाने का थोड़ा मूड था, दिल कर रहा था कि ब्लॉग बनाया जाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। तो मैंने सोचा जहाँ पे अभी मैंने स्टे किया हुआ है जिस रूम में, तो आपको वो अपार्टमेंट वो रूम दिखाता हूँ, वो जो है वो किस तरह डेकोरेट किया गया और क्या क्या सर्विसेज हैं यहाँ की। यहाँ की जो अपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो है वो बड़े जो है वो एडवांस हैं, सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाने हैं। अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है यहाँ पे टेरेस से व्यू दिखा रहा हूँ कि अपार्टमेंट में जो टेरेस है, एक तो वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कि एक यहाँ पर टेबल है, ठीक है, और चेयर है दोस्त, ठीक है, और सेकेंड है कि फिर यहाँ से बैठ के हम इस चीज़ को, इस व्यू को, इनको जो है वो इनसे फैसिनेट हो सकते हैं। ये टावर है जहाँ पे जी हमने स्टे किया हुआ है, जिस तरह ये आपको दिखा रहा हूँ सेम इसी तरह का ये है जहाँ पर मैं हूँ अभी से, ठीक है, काफ़ी हाइट पे आई है, तो ऑलमोस्ट 80 अबव जो है इसके फ्लोर हैं। और उसके बाद यहाँ की ये रोड्स की बात आ जाए तो रोड्स काफ़ी बिजी हैं यहाँ के, ठीक है, और एशिया के सबसे लॉन्ग जो रूट्स हैं वो यहाँ पर ही अवेलेबल हैं इन मलेशिया में। तो एक शोर की, एक ट्रैफिक का जो इको पैदा हो रहा है, एक आवाज़ साउंड आ रहा है, वो आप जो है वो उसे महसूस कर रहे होंगे। और ये इनकी कॉलोनीज हैं, मोस्टली यहाँ के लोग जो हैं वो तो अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं, इस तरह के जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन कुछ तबका जो है जो लेकिन उस उनकी तादाद बहुत कम है उन लोगों की कि जो हैं इस तरह कॉलोनीज़ में रहते हैं। यहाँ पे ये सिटी के मिड में ये पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट एक ना तकोन शेप ही बन जाती है, ठीक है, इधर वाली साइड से देन सेकंड ऐसे और फिर ये ऐसे, ये छोटा सा एक बस्ती कह लें आप, ठीक है, कि वो बस रही है ये सारी, और ये बाकी सारे इर्द गिर्द जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ के लोग जो हैं वो अपार्टमेंट्स में ही रहना पसंद करते हैं, अपार्टमेंट्स में बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सभी किस्म की सहूलियात जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जो इनका जो कंस्ट्रक्शन है, जो आर्किटेक्चर है यहाँ का, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, आउट क्लास है। मुझे उस चीज़ ने बड़ा फैसिनेट किया है कि एक छोटा सा ही एरिया, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है वो जगह पर वो बना हुआ है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा जगह है। तो अभी मैं आपको यहाँ से जो है वो दिखाना स्टार्ट करता हूँ कि ये विंडो से हमारा जो है वो फर्स्ट में ड्राइंग रूम ओपन हो जाएगा, ठीक है, डाइनिंग है वहाँ पे, सामने किचन आ जाता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, दिस इज़ द डाइनिंग एंड ये है हमारा किचन। किचन में ये है डिस्पेंसर, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, और बड़ा वेल इक्विप्ड और जो है वेल डेकोरेटेड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, ठीक है। ये ड्रॉअर में कुछ खाने पीने का सामान है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये भी जो किचन में आइटम्स यूज़ होती हैं वही हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपके भाई ने कुछ कुकिंग भी की थी, वो मैं बस दिखा नहीं सका आपको। ये हमारा फ्रिज है, फ्रिज जो है इस टाइम फुली जो है वो फिल है, अनवा अकसाम की चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। और किचन के साथ ही जो है वो आगे ये वॉश एरिया, मीन्स के यहाँ पे ज़रा आप कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं। जो वॉशिंग मशीन है ये भी लेटेस्ट है, मीन्स के मुझे जो है वो आइडिया नहीं था हमारे पाकिस्तान में अब ऐसा जब ये अवेलेबल होंगी, लेकिन हमारे पास नहीं थी, तो मुझे यहाँ आके इस टेक्नोलॉजी का जो आइडिया होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसके अंदर जो है वो यहाँ पर सर्फ़ डालते हैं, ठीक है, इसमें सर्फ़ आ जाता है, कुछ लिमिटेड अमाउंट है आपने वही डालनी है, और सेकेंड उसके बाद कपड़े डालते हैं, कुछ वेट है, उसके बाद पानी ऑटोमेटिक आता है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से बटन प्रेस कर देते हैं तो ये आपकी मशीन जो है वो खुद ही उसको वॉश करेगी, खुद ही उसके बाद उसको ड्राई करेगी,
तो उसके बाद आप उसे जो है वो अभी ये कुछ कपड़े वगैरह धोए थे भाई ने, तो ये तो हो गया हमारा किचन जो मैंने आपको दिखाया है। किचन जो है वो फुली जो है वो एडवांस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यहाँ पे अवेलेबल है, हर चीज़ बना गई थी। अभी ये जिस यहाँ पे तकरीबन की किचन है उसके बाद ही रूम स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रूम आता है, इसमें मैंने भी स्टे किया हुआ, आपको मैंने पहले भी दिखाया था। ये भाई का कुछ लगेज पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये बेड है और उसके बाद ये अलमारी है, कपड़े वगैरह जो हैं वो इसके अंदर हैं अवेलेबल। और यहाँ से भी ये जो है वो द गेट्स ऑफ मलेशिया नज़र आती हैं, कि मलेशिया के जो लार्ज बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं। और उसके बाद जैसे ही ये वाला रूम है, उसके बाद उसके ऑपोजिट साइड पे भी रूम है, ठीक है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। इस वन अभी इस रूम में एंटर हो रहा हूँ मैं, तो ये रूम भी बड़ा खूबसूरत है। आप इसके फ्लोर से जो है वो स्लाइड का लगाए हैं, एंड दिस वन फुली डेकोरेटेड है, बिल्कुल वेल मेंटेन, वेल डिसिप्लिन, बहुत ज़बरदस्त है। एसी भी अवेलेबल है, फ़ैन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जिस चीज़ को जो है वो ज़रूरत हो आपको, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और देन ये बेड है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसका भी यहाँ से ये व्यू है, बिल्डिंग्स, ठीक है, खूबसूरत खूबसूरत किस्म के टावर नज़र आते हैं। और देन यहाँ पर इस बिल्डिंग का जो है वो स्विमिंग पूल भी है, सो दिस इज़ द स्विमिंग पूल, ठीक है। क्लाउड्स, अच्छा यहाँ की एक और स्पेशल बात वो ये है कि यहाँ पे जो मौसम है ज़्यादातर क्लाउडी रहता है, बादल रहते हैं ज़्यादातर, किसी भी वक्त बारिश हो जाती है। यहाँ पर मुसलसल 200 दिन बारिश रहने का भी रिकॉर्ड मौजूद है, कि मुसलसल 200 रोज़ जो है यहाँ पे बारिश हुई थी। तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा गर्मी वाला ही होता है, लेकिन क्लाउड होते हैं तो जिसकी वजह से टेम्परेचर आपको पता है फिर थोड़ा महसूस नहीं होता। मोस्टली यहाँ पे क्लाउड्स रेनी जो है वो रहता है ये एरिया जो है स्पेसिफिक। सेकेंड इस रूम में जो है वो साथ ही वॉशरूम है, तो वॉशरूम भी बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। दिस वन दिस शावर, ठीक है, ये वॉशरूम है और उसके बाद ये वॉश बेसन है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वेल डेकोरेटेड। अभी आपको एक और रूम दिखाता हूँ, अभी एक ये रूम है, ये भी बड़ा दिस इज ब्यूटीफुल रूम, सीनरिक व्यू, ठीक है। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, वॉश बेसन, और सेकंड जो है ये शावर है। यहाँ से भी जो है वो टावर्स और बिल्डिंग्स और ये सिटी का एरियल व्यू आता है, और यहाँ से भी आई थिंक ऐसा ही है, हाँ जी ऐसा ही डेफिनेटली। सो इस रूम में मैंने स्टे किया हुआ है, ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ के अपार्टमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, खूबसूरत। सो गाइस, होप सो कि आपको ये जो है पसंद आया होगा, बहुत ही मुझे तो आई रियली इम्प्रेस्ड, मैं तो इन चीज़ों से बड़ा जो है वो फर्स्ट टाइम था किसी आउट ऑफ कंट्री में आना, तो वही यहाँ आया हूँ मैं, बड़ी एडवांस कंट्री है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे अवेलेबल है, और
रूल्स एंड रेगुलेशन और उसके बाद मींस के ओवरऑल जो है ना 100/100 या 10/10 आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं। आपको मैंने अपना अपार्टमेंट दिखाना था और अभी यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस हैं वो कवर करनी है इंशाल्लाह एज सोन एज पॉसिबल विद इन वीक। तो हमारे साथ ही रहिए, आपको वो भी दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो है वो है हमने जाना है पैट्रोन टावर, ट्विन टावर में वो दिखाएंगे आपको, उसका अंदर से दिखाएंगे क्या सीन है वहाँ पे। और उसके बाद और भी यहाँ पे काफ़ी प्लेसेस हैं तो वो सरप्राइज़ हैं, आपको दिखाएंगे। ठीक है, ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।